धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज हंसी मस्ती के बीच आमजन को साइबर जागरूकता संदेश दिया गया। इस राहगिरी में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र कर्ण गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कर्ण गोयल ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपना ATM पिन हमेशा स्वयं दिमाग में अंकित करें एवं यह सुनिश्चित करें कि कोई इसे देख नहीं सके। अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी किसी को ना दें। किसी भी तरह के ऑफर और लालच में ना आएं। किसी भी लिंक को ओपन ना करें। फ्रॉड लिंक के जरिए पूरा मोबाइल हैक किया जा सकता है, जिससे पूरा डेटा आसानी से चोरी हो सकता है। एक महीने की पहली बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और ये देश भर में और हरियाणा राज्य में पर्टिकुलरली हम हर एक ज़िले में एक बड़ा प्रोग्राम राहगिरी के तौर पर और छोटे छोटे प्रोग्राम जो थाने लेवल पर आज कर रहे हैं, उसमें खास करके हमारा मकसद ये है कि साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और एक इसमें इससे बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो कि एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1930, तो जिस प्रकार से आप 112 नंबर डायल करते हैं किसी भी अपराध से बचने के लिए, अपराध हो जाए तो उसकी सूचना देने के लिए, ऐसे ही 1930 नंबर आप डायल करें अगर आपके आप एक किसी साइबर अपराध का विक्टिम बन जाते हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो 1930 नंबर को पब्लिसाइज करने के लिए आज हमारे साथ विभिन्न विभाग कुरुक्षेत्र जिले के साथ आए हैं, जिसमें एजुकेशन विभाग, स्पोर्ट्स विभाग और पुलिस विभाग ने हमने सारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी, जिसमें लायंस क्लब कुरुक्षेत्र उसमें शामिल था। तो इन सब के कोऑपरेशन से हमने एक आज एक सफल एक मुहिम को आज शुरुआत की है और उम्मीद है कि इसको हम और बड़े लेवल तक पहुंचाएंगे और इसको और बड़ा बनाएंगे और लोगों में साइबर अपराध से बचने के लिए जो जागरूकता की ज़रूरत है उसको जन जन तक पहुँचाएंगे। सर, कॉल करने के बाद लगभग कितने टाइम तक जो है उस साइबर क्राइम का सोल्यूशन हो जाता है, जिस किसी के साथ पैसे की ठगी हुई है, लाइक वो 1930 पर कॉल करता है तो कितना टाइम उसमें? तो आपके माध्यम से हम बता दें कि जितनी जल्दी हो सके आपने क्राइम होते ही आपने सूचना दे देनी है 1930 पर। ये डिपेंड करता है कि पैसा जो है वो कितनी कड़ियों तक आगे गुजरेगा। मान लीजिए आज मेरे खाते से मैं विक्टिम बन जाता हूँ, मेरे खाते से पैसा जाता है और जिस खाते में अगला जा रहा है वहाँ से इमिडिएटली विड्रॉ कर लिया जाता है, तो उस केस में आपके पास टाइम की सीमा कम है। अगर यही पैसा आगे के आगे चार पांच अकाउंट में जाएगा तो आपके पास विंडो ज़्यादा मिल गई है। तो आपका काम यह है कि इसको इतना माने कि जल्दी से जल्दी जैसे ही क्राइम हो गया और आपको जैसे ही मामला नोटिस में आ गया, आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो आप उस संबंधित बैंक को नोट करवाइए ताकि आपका वो ATM या बैंक खाता वो फ्रीज कर दे, और साथ ही में 1930 हेल्पलाइन नंबर पर नोट कराई, और साथ ही में आप साइबर डेस्क जो कि सभी पुलिस स्टेशन में खुले हुए हैं उन साइबर डेस्क पर जाइए और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाइए, FIR रजिस्टर करवाइए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका पैसा बच सके। सर, अधिकतर जनसंख्या शहर में तो जागरूक है लेकिन गाँव के अंदर भी राहगिरी प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए? तो आज ये एक जिला स्तरीय कार्यक्रम तो हमने कुरुक्षेत्र में किया है स्टेडियम के सामने, और इसके अलावा सभी थाने लेवल पर गांव-गांव में जाकर भी इंडिविजुअल ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं। तो इसका सलूशन यही है कि आप किसी भी अननोन आदमी को जो वेरीफाइड आपका आदमी नहीं है उसको आप अपनी निजी जानकारी नहीं देंगे और ICAR्ड तो आप शेयर ना करेंगे, आप इससे बचें, ICAR्ड शेयर अपने ना करें अनलेस आपको पता है कि वो किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन सरकारी संस्था में यूज़ होने वाला है, उनके आप ऑफिस में गए हैं प्रीमाइसिस में जाके वहाँ पे अपने ICAR्ड निजी किसी कॉपी देते हैं वो अलग बात है, पर ऐसे फ़ोन पर किसी को दे बैठना उसका मिसयूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बनी रहेगी। साइबर से होता है फ्रॉड भैया, लोगों का जाता जिसमें रुपया, हाँ साइबर से होता है फ्रॉड भैया, लोगों का जाता जिसमें रुपया, वो काहे को भैया लालच में आए, काहे को भैया लालच में आए, हाँ काहे को भैया
को ये नाटक दिखाए, आओ हम तुमको ये नाटक दिखाए, आओ हम तुमको ये नाटक दिखाए, आओ हम तुमको ये नाटक दिखाए। ओटीपी को किसी को ना बताना, ओटीपी को किसी को ना बताना, लोगों की झांसे में तुम ना आना, लोगों की झांसे में तुम ना आना। ओ 1930 नंबर घुमाए, 1930 नंबर घुमाए, 1930 नंबर घुमाए, 1930 नंबर घुमाए। आओ हम तुमको ये नाटक दिखाए, आओ हम तुमको ये नाटक दिखाए, आओ हम तुमको ये नाटक दिखाए, आओ हम तुमको ये नाटक दिखाए। नमस्कार, मैं यूं कहूं कि गुड मॉर्निंग।